नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन की पांच ऐसी इफेक्टिव दवाइयों के बारे में, ऐसी मेडिसिंस जो कि आपको कब्ज की समस्या में आराम देगी। और आपको अगर एक्यूट टाइप का यानी कि ताज़ा कब्ज की बीमारी है या क्रोनिक हो गई है, काफ़ी सालों से है, तो दोनों ही टाइप की कंडीशन में आपको आराम देने वाली ये दवाएँ हैं, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में और आजकल के जो लाइफस्टाइल है, आजकल के जो फूड हैबिट्स है, उसके टाइम में कब्ज की समस्या बहुत ही ज्यादा आम है। आपको ये बच्चों से लेकर बड़ों में यानी बुजुर्गों तक भी आपको यह समस्या देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। हमारा जो खाने का हैबिट है, हमारी जो फूड हैबिट्स है, वो बदल गई है। हम जो है उल्टा सीधा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, हम मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या हम पानी कम पीते हैं, फाइबर इंटेक हमारा कम है, या ऐसी कई सारी जो चीज़ें हैं, कई सारे जो रेजिम है वो हम फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है। उस वजह से कब्ज होने की समस्या बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है। आज हम बिना देरी किए सिर्फ पांच होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कब्ज की समस्या में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है कि उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या लक्षण आ रहे हैं, उन लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवा का चयन किया जा सकता है। इन पांचों दवाओं में से जो भी दवा आपके सिम्टम्स से मैच करती है, आपके लक्षणों से मिलती जुलती है, उसी दवा का आपको उपयोग करना है। ये जो होम्योपैथिक दवाएं हैं उनमें सबसे पहली जो दवा है वो है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 या नक्स वोमिका 30 एक ऐसी दवा है जो कि ऐसे पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा कारगर है जिन मरीजों को इनइफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल होता है, यानी कि उनको स्टूल के लिए शंका होती है, मल त्यागने के लिए शंका जो है बार बार होती है, लेकिन वो जब भी फ्रेश होने जाते हैं तो वो सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट नहीं निकलता है। उनको ऐसा नहीं लगता है कि उनका पेट पूरी तरह से साफ हुआ है, ऐसा उनको मन में लगता रहता है, और वो दिन में 3 बार 4 बार 5 बार तक भी फ्रेश होने के लिए जाते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स की जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी होती है, यानी कि वो एडिक्शन की ओर बढ़ते हैं, एडिक्शन ज़्यादा करते हैं, जैसे सिगरेट है, स्मोकिंग है, या मान लीजिए अल्कोहल लेते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं। उनकी जो फिजिकल एग्जर्शन है डे टू डे वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे पेशेंट्स दिन में किसी भी प्रकार का व्यायाम या किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ही लग्जरी और बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मदद करेगी। बच्चों में भी अगर इनइफेक्चुअल अर्जिंग का सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है, यानी बच्चे बार बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं लेकिन पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता, तो बच्चों में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। इस दवा का 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लेना है। बच्चे और बड़े दोनों ही केसेस में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक अगर आप 2 से 3 वीक तक इसको उपयोग में लाएंगे तो आपको कब्ज की समस्या में बिल्कुल ही आराम हो जाएगा। जो दवा है उसका नाम है साइलिशिया 30। साइलिशिया 30 ऐसी मेडिसिन है, ऐसे मरीजों में काम करती है जिनको मल त्यागने की इच्छा तो होती है लेकिन वो जैसे ही मल त्यागने जाते हैं तो मल जो है वापस रिसीड बैक कर जाता है, यानी थोड़ा सा बाहर आके वापस अंदर चला जाता है, और उसको पेशेंट को उंगली से करके या किसी मैकेनिकल वे में उसको निकालना पड़ता है। ऐसी अगर कंडीशन है, इस प्रकार का कब्ज है, तो आपको साइलिशिया 30 बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को बच्चे और बड़े दोनों में उपयोग में लाई जा सकती है। इस दवा का उपयोग कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक करना है जिससे आपको कब्ज में काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरी जो दवा है वो है एल्यूमिना 30। एल्यूमिना 30 बच्चों में और विशेषकर बुजुर्गों में दोनों ही एज ग्रुप में अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको जीरोसिस की समस्या है, यानी कि उनको स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई रह रही है, ऐसे एजड पर्सन जिनकी स्किन ड्राई रहती है, उनको खुजली होती है, साथ ही साथ उनको कब्ज की समस्या है, और ये जो कब्ज है ये स्टूल भर जाने के बाद में ही इच्छा होती है, पेशेंट को डिजायर होती ही नहीं है कई दिनों तक। पेशेंट के मल जो है वो पूरी आंतों में भर जाता है, पूरी तरह से लोडेड हो जाती है आंतें, उसके बाद में पेशेंट जो है फ्रेश होने के लिए जाता है। अगर इस प्रकार की समस्या बच्चे या बड़े किसी में भी देखने को मिल रही है तो इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लाना है। ऐसा करने से आपको जो ये कब्ज की समस्या है उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा।
अगली जो दवा है उसका नाम है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा वैसे भी ड्राइनेस के लिए फेमस है, यानी ऐसे पेशेंट्स जिनकी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहती है, उनके जो शरीर के अंदरूनी हिस्से हैं, उनकी स्किन है, ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है और पेशेंट को ड्राइनेस फील होती है, पानी की इतनी कमी होती है उसके शरीर में कि पेशेंट को जो स्टूल आता है वो इतना हार्ड आता है, इतना पेनफुल आता है। साथ ही साथ पेशेंट का जो स्टूल का कलर है वो डार्क और एकदम गांठों जैसा, एकदम जो है बर्नट हो, यानी कि जल गया हो, बिल्कुल पानी की कमी हो, बिल्कुल डिवाइड ऑफ मॉइस्चर हो, तो इस प्रकार के स्टूल के कैरेक्टर में। और साथ ही साथ अगर पेशेंट को हेडेक की समस्या रह रही है, पेशेंट को जब कब्ज होती है तो कब्ज की वजह से पेशेंट को सिरदर्द होने लगता है, ऐसी कंडीशन में ब्राइनिया एल्बा का उपयोग किया जा सकता है। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम में बच्चे और बड़े दोनों ही केसेस में उपयोग में लाई जा सकती है। अगली जो दवा है वो है ओपियम 200। यह एक क्रोनिक कंप्लेन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवा है। ऐसे पेशेंट्स जिनको काफ़ी समय से एक हैबिट है कि वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक, काफ़ी दिनों तक वो जो है फ्रेश होने के लिए नहीं जाते हैं और उनको इच्छा भी नहीं होती है, इस प्रकार की अगर कंडीशन है, लेकिन एल्यूमिना से इसको अलग इस प्रकार से करेंगे कि एल्यूमिना के पेशेंट का जो स्टूल का कैरेक्टर होता है या जो मल का कैरेक्टर होता है वो सॉफ्ट होता है, पेशेंट को हार्ड स्टूल नहीं होते, जबकि ओपियम के पेशेंट को स्टूल हार्ड होते हैं और डिजायर कई दिनों तक नहीं होती है। अगर इस प्रकार का सिम्टम आपको देखने को मिले और साथ ही साथ मल जो होता है वो सूखा और सख्त होता है, इतना हार्ड और एकदम ड्राई होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ओपियम दे सकते हैं। ओपियम 200 का आपको 2 बूंद दिन में एक बार देना है, ऐसा आपको कंटिन्यू 2 से 3 हफ्ता तक करना है, जिससे कि आपकी जो ये टेंडेंसी है कॉन्स्टिपेशन की या कई दिनों तक डिजायर ना होने की जो समस्या है, इसमें काफ़ी आराम हो जाएगा और ये समस्या आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। ये थी कुछ मेडिसिंस कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिंस होम्योपैथी में अवेलेबल है, लेकिन उनका उपयोग पेशेंट की कंप्लेन के हिसाब से, उनके साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से, मॉडेलिटीज़ के हिसाब से उपयोग में लाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इन दवाओं का उपयोग पेशेंट को देखकर, उनके लक्षणों को देखकर किया जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।